डे ऑफ ईटिंग कि मैं क्या खाता हूँ, वेजिटेरियन डाइट, एंड वो बताऊंगा आपको। Accumulates of total 40 grams. It would not be better for me. तो हाय गाइस, वेलकम टू आप सबका अपना व्लॉग्स, दी डोगरा व्लॉग्स। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आप सबका इतना प्यार के लिए। शायद इस व्लॉग के साथ मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। मेरे सिर्फ 5 या 8 बोलूँगा उंगली पर 8 दोस्त थे जिन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, क्लोज फ्रेंड्स। उसके अलावा बाकी सब ऐसे जुड़े हैं मेरे साथ। बाकी आज हम जा रहे हैं जिम और थोड़ा बहुत ऑफिस प्रेप्स और फुल डे ऑफ ईटिंग प्रोटीन, क्या क्या चीज़ें वेजिटेरियन खा सकते हैं वो सब आपको दिखाऊंगा आज मैं। तो बनिए रहिए आज के ब्लॉग में, लेट्स हैव सम फन, लेट्स गो। तो गाइस, आज का वर्कआउट होने वाला है बहुत ज़्यादा श्रेड ओरिएंटेड, क्योंकि मैं चेस्ट ट्रेन कर चुका हूँ इस हफ्ते और मैं सेकेंड टाइम ट्रेन करने जा रहा हूँ चेस्ट और ट्राइसेप्स। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपना वेट बहुत कम रखूँ लेकिन रेप्स बहुत हाई रखूँ। और एक ही मोटिव रहेगा, एक ही मोटिव, वर्कआउट टिल फेलियर। उसके बाद फुल डे ऑफ ईटिंग कि मैं क्या खाता हूँ, वेजिटेरियन डाइट, एंड वो बताऊंगा आपको। सबर करो, ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे। सबर रख और कृष्ण भगवान का हाथ पकड़ लो और प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। वर्कआउट से पहले मैंने हाफ कप ऑफ ब्लैक टी लिया था, एक बनाना एंड सम हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स। उससे मेरा वर्कआउट अच्छा हुआ। एंड अब मैं वर्कआउट के बाद अपनी फर्स्ट मील क्या ले रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मूंग दाल का चीला,
तो 100 ग्राम ऑफ मूंग दाल में 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, बट मैं हमेशा उसको राउंड ऑफ करके लेके चलता हूँ। तो दिस इज 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 100 ग्राम पनीर इसके अंदर है, सो दिस एक्यूमुलेट्स ऑफ टोटल 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन। दिस इज माय फर्स्ट मील। अब ऑफिस जा रहा हूँ एक डिटॉक्स ड्रिंक पी के, एंड उसके बाद मिलते हैं आगे। आज चला मैं फिर। ये है कलकत्ता प्रिज़न। हाँ जी, तो मेरी सेकंड मील ऑफ द डे जो कि होने वाली है राइस, सम न्यूट्री एंड सम पनीर। तो मैं एक ऐसी जगह आपके आसपास ज़रूर होगा कोई टिफिन वाला जो ऐसी चीज़ें बनाता है, वो होम कुक फूड, उसमें मेरे को काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। आई शो यू द क्लोज़ अप। 50 ग्राम ऑफ सोया चंक्स, 50 ग्राम ऑफ पनीर विद सम ग्रेवी, 10 ग्राम ऑफ सोया चंक्स मेरे को ऑलमोस्ट 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन देती है। दूसरी से 50 ग्राम ऑफ पनीर मुझे 10 ग्राम दे देता है। तो मैं राउंड ऑफ करके बोलूँ तो ज़्यादा होता है, बट मैं 30 ग्राम लेके चलता हूँ क्योंकि हमेशा कम लेके चलना चाहिए। ये थी 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और मैं फुल डे ऑफ ईटिंग ही कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं करूँगा। मेरा बहुत मन कर रहा था, आज मेरे 6th डे है वीक का, मैंने कोई शुगर टच नहीं किया, इसलिए आज मैं हेल्प करूँगा। एक तो सैटरडे है, ऊपर से ऑफिस का भी हाफ डे है, तो इन्जॉय करो। खाओ खाओ भाई, और साथ में मैच देखो चेन्नई वर्सेस RCB। तो दिस इज माई लास्ट मील ऑफ द डे, टोफू सैलड। इसमें 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन होने वाला है, जिसमें मैंने टोफू डाला है, कुछ पीनट्स डाले हैं एंड कुछ अच्छी वेजिटेबल्स डाली हैं, एंड अपनी मन पसंदीदा ड्रेसिंग्स डाली हैं, क्योंकि अगर मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी छोड़ना शुरू कर दूंगा तो इट वुड नॉट बी बेटर फॉर मी। तो ये है मेरा टोफू सैलड, और साथ में है ये कर्ड। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सीजनल फ्रूट्स डाले हैं मैंने, ये लगभग 250 से 280 ग्राम ये कर्ड है। तो इसमें मेरे को लगभग मिल जाएगा अराउंड ऑफ 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। छोटे छोटे माइलस्टोन सेलिब्रेट।